वापस हुए क्या? हाँ अभी उठने वाले, अभी उठ जाएंगे। हाँ हाँ चला जाऊंगा उनके उठने से पहले। क्या बात है, बड़ा समझदार हो गया है। जहाँ समझदारी दिखानी होती है वहीं समझदारी नहीं दिखाता है ना। अभी इतना समझदारी दिखा रहा है तो वो भी समझदारी दिखा दे। क्यों आया है यहाँ, कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बस थोड़े मम्मी पापा घूम गए, तो मुझे तो बताना। शादी कर लो, अपने आप मिल जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, कोई लड़का हो तो बताना। अब बोलो घर से चले जाओ, चला जाओ। मैंने रोक रखा है क्या? जा सकते हो आप वापस। मतलब इतने प्यारे बच्चे को तू घर से निकाल देगी लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्यों भाई? तुम्हें पता है क्यों? अब क्या करें, तेरे बच्चे को बर्तन से ज्यादा चम्मच से प्यार है, तो कितनी भी कोशिश कर ले उसके हाथ से चम्मच खींच लेने की, वो जिंदगी भर हाथ से खाना खाएगा लेकिन बर्तन को हाथ नहीं लगाएगा। क्या बकवास कर रहे हो, भूख लगी है क्या? अरे यार तुम्हें तो मेटाफर समझ नहीं आते, असली बात के खाक समझोगी तुम? मैं तो पूरा समझ ही नहीं पाई तुझे, तो जोक्स क्या समझूंगी? जोक समझने के लिए अकल और बच्चे को समझने के लिए दिल चाहिए होता है। इन दोनों में से क्या है तुम्हारे पास अभी बताओ? प्रॉब्लम क्या है, तू जी रहा है ना अपनी जिंदगी? मुझे अपने माँ बाप भी चाहिए अपनी जिंदगी। अरे यार क्या इतना मुश्किल होता है क्या कुछ समझना? मतलब कुछ समझना ही नहीं है तुम लोगों को, कितना क्लोज माइंड है तेरा और पापा का। मेरा पीएचडी का गाइड कहता है योर फ्यूचर इज ब्राइट लाइक द सन, रिसर्च स्टाइपेंड इतना मिलता है कि वर्षों में फ्लैट रेंट पर ले रखा है, पापा कभी ले पाए? लेंगे क्या, देखने भी नहीं आए। इतने सारे एनजीओ के लिए काम करता हूं इंक्लूडिंग वन फॉर वुमन, कई महिलाएं आती हैं, उनसे बात होती है। हेट भी नहीं मार रहा, बता रहा हूं कि बाकी सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन बस एक बात को लेकर तोड़ दिया बेटे से रिश्ता। कभी सोचा भी कि शायद कुछ गलत नहीं होगा, समझ ले अपने बच्चे को, लेकिन नहीं, सब कुछ जैसा तुम्हें लगता है सब सही है वरना गलत है। और मैं जानता हूं यही मैं अगर लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट रखता ना तो पूरे शहर में डींगे मारते फिरते तुम लोग, लेकिन अब नाम आया टॉपिक चेंज। यार मैं आता ही क्यों यहां पर?
हूँ।